आप आ जाइए जो बैठे हुए हैं, हाँ जैकेट पहने हुए, हाँ आ जाओ आ जाओ। कहाँ से आए? चलो पूछो प्रश्न। बालक को पढ़ाई में मन नहीं लगता। हाँ और नजीक, हाँ हाँ, और तबियत कुछ स्वस्थ नहीं होती। आपके घर में मूठ का प्रयोग करवाया गया, कार्य चलेगा, आशीर्वाद लेने आए हो, पुत्र का प्रश्न लेकर के आए, सफलता पुत्र सफलता का प्रश्न लेकर के, उन्नति होगी, समय लगेगा, जाओ आशीर्वाद। हेलो गाइज, गुड मॉर्निंग, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। तो गाइज अभी मैं हूँ सिद्धेश्वर धाम में, और थोड़ी देर पहले लगा था दिव्य दरबार, अब दिव्य दरबार लगेगा हाटी में, तो चलते हैं हाटी। और पहले इसके पहले मैं कर लेता हूँ यहाँ पे परिक्रमा और नारियल प्रसाद चढ़ा देता हूँ, फिर चलेंगे हाटी। अभी पूज्य गुरुदेव देखिए सबसे मुलाकात कर रहे हैं, देखिए आवाज आ रही होगी, सबसे बात कर रहे हैं, सबकी समस्याएं सुन रहे हैं। तो अभी ले लेता हूँ सबसे पहले प्रसाद में नारियल ले लेता हूँ, बालाजी को चढ़ा देता हूँ नारियल, फिर इसके बाद देखते हैं क्या हो रहा है। प्रसाद दीजिए जयराम जी की। फाइनली ले ली नारियल प्रसाद सन्यासी बाबा का चबूतरा, चढ़ा की तरफ से निकल जा है, रेलवे फाटक ने पार करा। और यहाँ पे देखिए मिलने के लिए लोग खड़े हुए हैं महाराज जी से। ये हनुमान जी बालाजी, फाइनली जा रहे हैं हाटी। अब तो हाटी हम लोग भी चलते हैं साथ में गुरुजी के, गुरुजी आगे आगे पीछे पीछे हम लोग चलते हैं हाटी।
गाइस फाइनली आ चुके हैं भक्त पतेरी से। जय सीताराम जय सीताराम। और दरबार अब लगने वाला है हाटी में, तो हम लोग हाटी जा रहे हैं। जी जी जी। तब वहीं का ब्लॉग दिखाएंगे और दिव्य दरबार दिखाएंगे आप लोगों को। जय सीताराम जय सीताराम जय सीताराम। और साथ में एक नए भक्त आए हुए हैं पतेरी से। बोलो हनुमान जी महाराज की जय। सिद्धेश्वर धाम की जय। बालाजी सरकार की जय। बोलो सीताराम 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 सीताराम। आप आ जाइए जो बैठे हुए हैं। हाँ जैकेट पहने हुए हैं। हाँ आ जाओ आ जाओ। बोलो हनुमान जी महाराज की। ये आगे आ रहे हैं आगे आ रहे हैं ये आगे वाले चश्मा वाले। हाँ हाँ हाँ, क्योंकि चश्मा वाले भी खतरनाक आदमी होते हैं। पूछो काहे गाड़ी चलाता कोई और लगा के बैठता कोई और पीछे। जैसे गाड़ी में तुम देखते होगे हेलमेट चलाने वाला नहीं लगाता, पीछे वाला लगाता है। बोलो, क्योंकि पीछे वाला बहुत ही खतरनाक का होता। पीछे हनुमान जी की पूंछ रहती है, और क्योंकि जब हनुमान जी ने पूरी लंका जलाए रावण को दंड दाओ तो पूंछ की बदौलत दाओ होती। सभी बैठ जाए। जय सीताराम। कहां से आए हो, यहां तक कैसे पहुंचे? साथी हैं, उन्होंने बताया था आपके बारे में और धाम के बारे में। अच्छा, तो 3-4 बार वहां आए। धाम गए? जी। धाम में अर्जी लग गई? जी। अच्छा, मतलब वहां अर्जी लगाई थी। हाँ हाँ। तो 3-4 बार आए हैं। अच्छा, आज उन्हें वहां फिर गए थे तो वहां दरबार लग चुका था। अच्छा, तो वहां परिक्रमा लगा के और प्रसाद चढ़ा के फिर चले आए यहाँ। देख लो भगवान की कितनी बड़ी कृपा। वहाँ के दरबार में सफलता नहीं मिली तो यहाँ मिल गई। सभी कहते कहीं ना कहीं भगवान तुम्हारे साथ में घूमते हैं, क्योंकि अगर वहाँ बन जाती तो एक आस्था का केंद्र ना रहता। अगर यहाँ बन गई तो करोड़ों लोगों की आस्था जुड़ गई कि किसी ना किसी बाहर वाले भक्त की भी अर्जी स्वीकार हो गई। बोलो सीताराम। नहीं तुम गांव वाले मौके का चौखा मारते हो, गांव वाले। तो बालाजी ने भी कहा कि 2-4 बाहर वाले आओ, तुम्हारी भी अर्जी स्वीकार होगी। बोलो हाटी वालों की हो। हमसे समस्या बताए तो नहीं है, किसी से बताए तो नहीं है? जितने यहां बैठे हुए हैं हनुमान जी के भक्त किसी से बताए तो नहीं है? चलो पूछो प्रश्न। बालक को पढ़ाई में नहीं लगता। हाँ, और आपके घर में मूठ का प्रयोग करवाया गया, कार्य चलेगा, आशीर्वाद लेने आए हो, पुत्र का प्रश्न लेकर के आए, सफलता सफलता का प्रश्न लेकर के आए, उन्नति होगी, समय लगेगा, जाओ आशीर्वाद। बोलो बागेश्वर धाम की जय। बोलो सिद्धेश्वर धाम की जय। बीच बीच में ये देखो, बीच बीच में कर्ज जैसे की स्थिति आ जाती है, क्योंकि कार्य उस तरह का नहीं चल पाता है। लोगों का आपने समाधान किया लेकिन लोगों ने आपको धोखा जैसे दिया। अभी बीच में 2022 में ही ये देखो ऊपर लिखा कर्ज, 2022 में ही तीसरे महीने से लेकर के 9वें महीने तक 2022 में कर्ज बना था। 23 में भी तुम्हारा कर्ज बन गया था और तुम्हारा कारण वो कर्ज नहीं बना था। तुम लोगों का दूसरे का भला करने के चक्कर में तुमने लाओ हते लेकिन फंस तुम गए थे। अब ऐसी कुछ नहीं होगा, कृपा होगी, जाओ आशीर्वाद। बोलो सिद्धेश्वर धाम की गलत तो नहीं हमने बताया, जाओ बालाजी की कृपा होगी। बोलो सीताराम हाटी वाले। हाटी वालों के लिए जंगलेटर चल रहा हटा रहा।
भी आज तुम्हारे लिए यहाँ चल रहा, बीबी आज अलग से आज तुम्हारे लिए चल रहा, ठीक है। ये जो चल रहा है, जो हम बोल रहे हैं, ये बाहर वालों के लिए बोल रहे हैं। बोलो सीताराम सीताराम। हम मंत्र लिखे दे रहे हैं, बालक को एक बार धाम के दर्शन करा देना, धाम से भगवती ले लेना है, बालक को खिलाना प्रारंभ कर देना, घर में गंगा जल का छिड़काव कर देना जी। और आपको इस मंत्र का जाप करना है जी। 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 घर में अपने जो है तीन सुंदर कांड का पाठ करा लेना किसी ब्राह्मण को जी। जी। ओम सिद्धेश्वराय नमः का प्रतिदिन मंत्र का जाप करना है जी। और किसी ब्राह्मण से तीन सुंदर कांड का पाठ करा लेना जी। बोलो सीताराम सीताराम। बोलो सिद्धेश्वर धाम की जय। आप लोग अच्छे हो? बोलो ठीक, तो फिर अपन भी ठीक है। ठीक बोलो सिद्धेश्वर धाम की जय हो। तो चलिए प्रसाद ले लीजिए भंडारे का। ए रूबी। तो गाइस भंडारे का प्रसाद मिल रहा है, तो हम लोग पहले लेते हैं प्रसाद भंडारे का। खिचड़ी मिल रही है भंडारे में। तो मैं यहाँ चला आया, हमको भी फाइनली गाइज मुझे मिल चुका है भंडारे का प्रसाद ग्राम हाटी में। हाटी में लगा हुआ है दिव्य दरबार और राम कथा है 5 दिवसीय। तो यहीं पे अपने ब्लॉग को मैं एंड कर रहा हूँ। कैसी लगी आज की मेरी वीडियो? आई होप आप लोगों को अच्छी लगी होगी। यदि वीडियो अच्छी लगी हो चैनल सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक शेयर कर दीजिएगा। मिलते हैं नए ब्लॉग के साथ, नए वीडियो के साथ। बाय, जय सीताराम।